मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम से रोटी का निवाला छीन रही है। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मुलाजमीन को मुस्तकिल और नौकरियों से निकाला जा रहा है। जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर परफॉर्म करेंगे तो हम बताएंगे ना कि परफॉर्मेंस से मुतमइन है या नहीं। अभी तक उन्होंने परफॉर्म तो कुछ किया नहीं है, सवाय इसके के हर किसी के साथ कोई तनखी का माहौल पैदा किया हुआ। तो आज़ाद कश्मीर, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आज़ाद कश्मीर और ये PTI की हुकूमत और तनवीर रियासत एक साथ नहीं चल सकते। ये आज़ाद कश्मीर, देखें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जब दारुल हुकूमत में वक्त ही नहीं देता। कैबिनेट मीटिंग है और कल कैबिनेट मीटिंग इस्लामाबाद में क्यों है? इस्लामाबाद में क्यों करना है? क्यों करोड़ों रुपये के TADA बनाने हैं, वज़रा के भी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के भी? ये क्या वजह है कि जो मुजफ्फराबाद में बैठ के कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते? ये तमाम मीटिंगें जो हैं ये रात को करते हैं, दिन को लोग जो है आवारा फिर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस जगह है, काम क्या करना है, प्लानिंग कोई नहीं है, अगला मंसूबा क्या बनाना है, आज़ाद कश्मीर की सियासत में किस तरह हम आँगी पैदा करनी है उसका कोई दखल नहीं है, मनसूबा बंदी क्या करनी है इसका भी पता नहीं है, क्या तरक्याती काम करने हैं इसका पता नहीं है, मसला कश्मीर के हल के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए क्या किरदार अदा करना है। तो किसी बात पे आज तक वो मशावरत के अमल से तो गुजरे ही नहीं।